गाइस पर्व मुनरा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लाए एनाबेल कम्स होम का रिएक्शन जो एक हॉरर सीरीज है। लाइक हमें पता है कि ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पूरी है, मतलब सीरीज है काइंड ऑफ कॉन्जरिंग में, कॉन्जरिंग 1, कॉन्जरिंग 2 और कॉन्जरिंग 3 भी आने वाले 2020 में। हाँ। और ऊपर से एनाबेल क्रिएशन फिर एनाबेल कम्स होम अभी आई हुई है, तो वो बहुत ऊपर से नन भी इसके अंडर आती है। तो लाइक इतनी जबरदस्त पूरी हॉरर सीरीज बनाई हुई है इन लोगों ने और ऊपर से इंडिया में भी काफी फैंस है इसके। और मतलब इंडिया में जब ये ऐसी सीरीज आती तो इसके बहुत सारे वो आते रहते हैं, न्यूज आती रहती है। हाँ, एक बुड्ढा कॉन्जरिंग अकेले देख रहा था तो वो मर गया। कॉन्जरिंग 2 के टाइम तो बहुत सारी न्यूज फैली थी, कॉन्जरिंग 2 बोला गया तो बहुत ज्यादा ही हॉरर फिल्म थी और उसको अकेले मत देखना, ऐसे लाइक बात फैल गई थी। तो पूरे इंडिया में यही हो गया था कि एक बुड्ढे ने देखा तो भर गया और उसका ऐसा हो गया वो ऐसा, तो लोगों में वैसे ही कॉफ हो गया था। और हम लोग खुद भी कोई हॉरर फैंस नहीं है, लाइक हमने आज से इससे पहले मेरे ख्याल से मैंने कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी है और मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे क्या मोस्टली मैं ऐसा आदमी मैं इमेजिन करने लग जाता हूँ कि लाइक ऐसा होगा, घर जाके देखूंगा तो वो मेरे को सिराना भी डॉल जैसा दिखने लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर इसलिए मैं वैसे हॉरर फिल्म देखता नहीं। तो पर ये ट्रेलर देखते हैं कैसा। और उसके डायरेक्टर की बात कीजिए तो गैरी डोबरमैन के डायरेक्टर है, लाइक वो लास्ट कॉन्जरिंग सीरीज है उसके राइटर रह चुके हैं, द एनाबेल की जो पिछली सीरीज है उसके भी राइटर रह चुके हैं, द नन के राइटर भी वही थे, तो इस वजह से उनको द किंग ऑफ हॉरर मूवीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने मूवीज बनाई उनकी स्टोरीज थी वो लाइक देखने में जिस हिसाब से इसने बताया कि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ हो गया था कि कोई मर गया था और बाहर की कंट्रीज में भी लोगों ने तो बहुत डराया था उन मूवीज में, तो अब इस मूवी में देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें दिखाया और इस मूवीज को वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। और एनाबेल की जो पिछली मूवी आई थी जो फर्स्ट पार्ट की जो बाद आई थी तो उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लाइक उसको क्रिटिक्स ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो ये देखते हैं इसका ट्रेलर कैसा होगा। तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। My Everything God. You see in here is either haunted, a curse, or has been used in some kind of ritualistic practice. Nothing's a toy. It's safer for these things to be in here than out there. Sometimes it's better. The Warrens. He literally Warrens ki story hai. Don't your parents keep any creepy stuff around? You keep it all locked away in a room. Locked to aawaz laga rahe. So we're safe. It's not really good for anyone to go in there. वो लड़की उसमें चली गई, नहीं जाने का था। ओ घुमा पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। उसके हाथ तो देख कैसे Welcome to the room. My God. Fuck. बहुत ही डरावना ट्रेलर था, लाइक मेरा तो ऐसे फर्स्ट हॉरर ट्रेलर देखा है मैंने, मेरा भी तो वो बहुत डरावना लगा मेरे को काइंड ऑफ, जो स्टार्ट थी वो पूरी उस तरीके से। और मेनली यही था कि वो एक दो लड़कियां हैं वो नए घर में आती है और मेनली जो उसकी दो बहनें काइंड ऑफ वो आती है तो वो देखना चाहती है कि भाई तुम्हारे घर पे कुछ है कि नहीं, हॉरर कुछ टॉयज वगैरह कुछ रखते नहीं हो। हाँ, और फिर वो उसके वो रूम में जाती, क्यों जाती है पता नहीं। ये हमेशा होता है कि नॉर्मली जब आप कोई भूत होता है ना तो भूत हमेशा एक कहीं बंद होता है और कोई ना कोई उसको फाइंड करता है, या जो एक बच्चा होगा या कोई होगा तो वो जाके उसको ढूंढेगा या निकालेगा या उसको खोलेगा, वो कीड़े करने की जो आदत होती है ना उसकी वजह से मेन भूत आता है, इसे हमें ये पता लगा है। तो वो कीड़े ना किया करो, जो चीज़ पड़ी है उसको पड़े रहता, तो वो रूम में गई और उस रूम में जाने के बाद फिर वो उससे बात, और जब उसको निकाल लेते तो फिर कोई उसको कंटिन्यूसली बोलता रहता है कि
काइंड ऑफ कहते हैं मुझे तुम्हारी डॉल चाहिए, तो फिर वो और डरने लग जाती है, फिर वो गेट से निकलते हैं, फिर जो हॉरर बनाते हैं वो जबरदस्त बनाते हैं। ऊपर से ना ट्रेलर को भी बहुत जबरदस्त बनाया गया कि है ना जहाँ भी है ना वो एनाबेल डॉल का आता ना वहाँ पे एकदम सारे बैकग्राउंड साउंड का सब एकदम शांत हो जाती है और फिर एकदम से उस चीज को इस तरीके दिखाया जाता है ना कि व्यूअर देख के एकदम वो घबरा जाए। लाइक जैसे वो फर्स्ट सीन आया था मैं भी घबरा गया था, जब फर्स्ट सीन के अंदर वो काइंड ऑफ वो जो उनका रूम होता है उसके अंदर से वैसे एकदम से मुंह बाहर आता है, तो वो काइंड ऑफ ये ना लाइक बहुत जबरदस्त चीज है कि ना जब कोई ऐसा भूत आने को एकदम से साउंड ऑफ कर दो तो ऑडियंस में वो सस्पेंस रहता है कि अब क्या आएगा और एकदम से वो चीज दिखा देना, तो ट्रेलर में बहुत जबरदस्त। और वो बैकग्राउंड में जो विंड चाइम्स का छोटा टिंग 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 वो चलते रहना, और साथ साथ तो दूसरा हॉरर सबसे लास्ट वाला सीन आया चद्दर के नीचे, कितना मतलब खुद तुम अपनी चद्दर उठाओ तो उसके नीचे ऐसे वो लेटी हुई, फिर वो कहीं और देखती है, फिर देखती है तो वहां से उठ के कुछ आ जाते हैं, तो कितना डरावना है। तो तभी मैं हॉरर नहीं देखता कि लाइक ऐसी चीजें देखो उसके बाद तुम अपनी चद्दर खोल कर देखो तो अपनी टांगों के अलावा कुछ और दिखे तो कैसा लगे, तो वो चीजें थी। और फिर जो पूरे स्टोरी बनाई गई वो काफी इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे मेनली उसकी जो माँ है उसकी माँ को भी ऐसे भूत दिखते थे पहले, जैसे वो डॉल के अराउंड चीजें दिखती थी, तो वो एक्सपीरियंस वही सेम चीज एक्सपीरियंस करने लग गई है और कैसे होगा वो वापस उसको कैसे बंद करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के। और ऊपर से ना ये काइंड ऑफ कोई पुरानी स्टोरी के वो उस लास्ट मूवी की स्टोरी कैरी की जा रही है ना, स्टार्टिंग में जैसे वो इसको डॉल को अंदर से बंद कर दिया है और पूरा लॉक करने के बाद में वो काइंड ऑफ ऐसा ही था कि वो डॉल के आसपास की जो भी चीजें वो किसी को छुए नहीं, तो बाहर जगह जिस हिसाब से फिर वो पूछा गया कि ना तुमने और किस किस चीज को छुआ है, तो उसने बोला सब कुछ, तो उसके बाद से वो डॉल का गायब हो जाना, फिर उसको काइंड ऑफ वो डॉल है ना जैसे इस तरीके के अंदर बताया गया कि ना वो बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है काइंड ऑफ अपनी साइड, तो उसमें फिर वो ना सबके ऐसे गोल गोल आंख में सिक्के से, तो वो सबको है ना बहुत डेंजरस और बहुत डरावना बनाया गया यार। ये मूवी आप जो लोग भी आप लोगों से मूवी देखने जाने वाले वो मैं कमेंट में जरूर बताया जरूर जाना, और आपने इससे पहले जो देखी वो बताना कि कैसी लगी थी और कितनी हॉरर आपको लगी थी, और प्लीज ट्राई करना आप अकेले जाओ वो तो और जबरदस्त, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं भेजूंगा, तो बाकी आप लोगों को ट्रेलर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।